लखीमपुर खीरी में बिजली की बढ़ी हुई दरों को लेकर कांग्रेस पार्टी ने विरोध प्रदर्शन किया। बिजली की बढ़ी हुई दरों के विरोध में लखीमपुर खीरी में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लालटेन जलाकर विरोध प्रदर्शन किया है। इस दौरान कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शहर में घूम घूम कर सरकार के विरोध में नारे भी लगाए। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि मौजूदा सरकार गरीब जनता को लूटने का काम कर रही है। बिजली की दरों में 12.5% की दर आम जनता की जेब पर भारी पड़ेगी। वहीं व्हीकल एक्ट में भी जुर्माने की राशि को लेकर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता उग्र दिखाई पड़े। पेश है लखीमपुर खीरी से हमारे संवाददाता अभय वर्मा की एक खास रिपोर्ट। मैं राघवेंद्र बहादुर सिंह, कांग्रेस पार्टी का जिलाध्यक्ष। आज बिजली की बढ़ी हुई दरों के विरोध में ये प्रदर्शन यहाँ पर पार्टी के आह्वान पर किया जा रहा है। आज सबको पता है कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से जनता के सरकारों से जुड़ी हुई पार्टी है। जब जब जनता के खिलाफ कोई निर्णय सरकार करती है तो कांग्रेस अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाना जानती है, निभाती है। जिस तरीके से बिजली की दरें बढ़ाई गई हैं, जनता पर सीधा इसका भार पड़ा है। हम इसका विरोध कर रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि यदि वो जनता के प्रति संवेदनशील है तो तत्काल प्रभाव से बढ़ी हुई बिजली की दरें जो हैं वो वापस ली जाएँ। लगातार डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं। अभी जो मोटर व्हीकल एक्ट में तमाम तरह के टैक्सेस बढ़ा दिए गए हैं, चालान काटे जा रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं, उसका भी हम विरोध करते हैं। और जहाँ जहाँ भी देख रहे हैं कि आज अपराध की स्थिति कितनी ख़राब है, उत्तर प्रदेश में अपराध तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, नियंत्रण से बाहर हो गया है पूरी तरीके से। लॉ एंड ऑर्डर का इशू जो है बहुत गंभीर होता जा रहा है। कांग्रेस पार्टी इस सरकार के खिलाफ नहीं है लेकिन जनता के साथ है, जनता के हितों के साथ है, जनता के मुद्दों पर। वो सरकार के खिलाफ जहां पर गलत निर्णय हो रहे होंगे हम विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। डॉक्टर, बिजली कीमतें 12% ऊपर बढ़ा दी गई हैं, इसके लिए आप प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या सरकार से क्या मांग रहे हैं? देखिए, ये सरकार ने बिजली की दरें बढ़ा के ये फिर साबित कर दिया है कि ये जन विरोधी सरकार है और ये जनता के नुमाइंदे हैं, जनता से चुन के आए हैं, जनता की बात रखनी चाहिए। एक इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन का एक रिकमेंडेशन आया कि आप दरें बढ़ा दीजिए, इन्होंने उठा के बढ़ा दी और अब हमारे पावर मिनिस्टर ये कहते हैं कि इसमें आपका सरचार्ज हटा देंगे, ये गणित लगा रहे हैं। लेकिन ये सब कुछ नहीं होता। अगर आप बिजली की दरें आप बढ़ा रहे हैं तो जनता के डायरेक्ट उनके खून पसीने गाढ़े की कमाई पर आप सेंध मार रहे हैं और ये बिजली की दरें ही बढ़ा के नहीं मार रहे हैं। आपने जिस तरीके से चालान का एकदम से डबल ट्रिपल कर दिया, आप कब को पता ही नहीं चलता है कब आपका डीजल पेट्रोल बढ़ जाता है। ये सब चीज़ें जनता की घरों में जो गाड़ी कमाई करने वाले लोग हैं उनके सेंध मारते हुए आप उनको परेशान बार बार कर रहे हैं। हमारी सरकार को चाहिए कि वो नुमाइंदी करे उन लोगों की जहां से वो चुन के आए हैं, उन गरीब लोगों की, जहां से जहां पे लोगों के बिजली देखा और वो खुश हो गए कि बिजली आई है, लेकिन जब उन्होंने बिल देखा तो बहुत से लोग आत्महत्या करने पर मजबूर हैं। तो ये इस तरीके से ना शासन चलता है ना प्रशासन चलता है और बीजेपी इसमें कई बार फेल हो चुकी है और फिर बार वो बता रही है कि वो शासन करने लायक ही नहीं है। तो हम इसका विरोध करते हैं। हमारी माननीय प्रियंका जी ने भी कहा कि इसका हम हर उस निर्णय का बीजेपी का विरोध करते हैं जो जनता के हितों के खिलाफ है और जनता को नुकसान पहुँचाता है।